हाँ ये नाज़रीन, आज हम आपको पास्ता बनाने की वो रेसिपी देते हैं जो कि हमारी बहू ने ऐवान की बर्थडे पर तैयार किया था। तो सबसे पहले तो हमने एक पॉट में काफ़ी सारा पानी ले लिया है, उसमें हमने 2 टीस्पून सॉल्ट के डाल दिए हैं। मोरो का कुकिंग ऑयल है और वो हमने कोई एक घूंट जितना डाला होगा। अब हमने पॉट को कवर कर दिया है ताकि इसको उबाला आ जाए। ये चीज़ें हैं जिनका हमने इस्तेमाल करना है। विनेगर है, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, क्रश चिलीज, टर्मरिक चिली पाउडर, क्यूमिन सीड्स, सॉल्ट, हाफ लेमन लिया है, 1 लार्ज हमने अनियन लिया है, 6 to 7 हमने गार्लिक क्लोव्स ली हैं यानी कि लहसुन, और छोटा सा टुकड़ा हमारे पास अदरक का होगा यानी कि जिंजर। वाइट विनेगर लिया है, आम विनेगर जो घरों में इस्तेमाल होता है। इसके बाद हमने अनियन जो है उसको डाइस कर लेना है, तो क्यूब्स में हमने काटना है। आपने देखा कि बहू ने इसको आधा आधा किया है करके उसमें कट लगाए हैं और इस तरह से उसकी क्यूब्स काट ली हैं। एक नॉन स्टिक खुले मुंह का पैन है जो उसने लिया है, उसमें ज़रा पकाना आसान होता है, और सारा अनियन जो है उसमें डाल लिया है। इसके बाद उसने इसमें ऑयल डाला है, कोई हाफ कप डाला होगा, और अनियन के नीचे हमने आग जला दी है। अब जब तक हमारे अनियन थोड़े से तले जाते हैं, हमने गार्लिक जो है उसको क्रश कर लेना है। साथ ही हमने छोटा सा ये जिंजर का पीस है अदरक का, वो भी हाथ से ही क्रश करना है। तो पिसा पिसाया ना डालें, उसकी खुशबू जो है वो डिफरेंट बनती है। इन सब चीज़ों को पीस लिया है। साथ ही 1 kg हमारे पास बोनलेस ब्रेस्ट है, चाहे तो थाइज और ब्रेस्ट दोनों मिला लें, चाहे तो सिर्फ बोनलेस ब्रेस्ट ही ले लें। तो जब वो अनियन थोड़े से तले गए हैं, अभी बिल्कुल भी गुलाबी नहीं हुए हैं, उस स्टेज पर आपने उसमें 1/2 टीस्पून सॉल्ट और 1 टीस्पून फुल क्यूमिन सीड्स का डाल देना है। इसके बाद हमने इसको हिला लेना है, उससे ये होगा कि ऑयल में ज़ीरा भी बहुत अच्छी तरह से तला जाएगा। अब स्पेगेटी का एक पैकेट लिया है, फैमिली पैक लिया है, बड़ा वाला 750 ग्राम्स का है, और इसको हमने उस उबलते हुए पानी में डाल देना है जो कि हमने शुरू में ही उबलने के लिए रखा था, तेल और नमक डाल के। इसके बाद जब वो उबल जाएं तो हमने उनको निचोड़ लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं उबालना है, बस ज़रा खड़ी खड़ी ही हो, लेकिन बीच में उनके कच्चापन ना रहे, पूरी तरह से गल गई हो, उस वक्त आपने इनको निचोड़ लेना है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं चिकन जो है वो सारी तली गई है, अदरक लहसुन हमने जो है वो पीस लिया था हाथ से ही, उसको हमने डाला है, थोड़ा सा हिलाया है, बस जैसे ही उसकी खुशबू आए तो उसमें आपने ये जो मसाला जात निकाल के रखे हुए थे ये डाल देने हैं। 1/3 टीस्पून सॉल्ट, क्योंकि हमने सॉल्ट पहले भी डाला है, जीरे के साथ भी डाला है और स्पेगेटीज में भी डाला है। 3/4 टीस्पून हमने ब्लैक पेपर का पाउडर लिया है, पिसा पिसाया है, वो इतना स्ट्रांग नहीं होता है। अगर आप ताज़ा पीस रहे हो तो 1/2 टीस्पून ताज़ी पिसी हुई काली मिर्च जो है वो बहुत काफ़ी होती है। 3/4 टीस्पून ही हमने क्रश्ड चिलीज का लिया है इसमें अच्छी तरह से भर के, और 1/3 टीस्पून हमने इसमें टर्मरिक पाउडर का लिया है यानी कि हल्दी का, और इन सब मसाला जात को अब हमने चिकन में मिला लेना है। तो बहुत अच्छा मसालों का रंग जो है वो इसमें निकल आता है। लेमन डाला है हमने इसमें, कोई करीबन 2 टेबलस्पून लेमन होगा, और 3 टीस्पून हमने इस स्टेज पर इसमें विनेगर का डाला है। वो हम दिखा नहीं सके हैं, शायद बच्चों ने रिकॉर्ड नहीं किया या हमारी एडिटिंग में मिस हो गया। तो 3 टीस्पून विनेगर और 2 टेबलस्पून लेमन के हमने इसमें डाले हैं। इसके बाद हमने सारे जो टोमेटोज ले रखे थे उनको डाइस कर लेना है, डाइस करके हमने इनको पका लेना है। तो ये एक ग्रेवी सी तैयार होगी। बीफ स्टॉक है ये हमारे पास, इसमें बीफ नहीं होता है, तो 1 स्टॉक क्यूब जो है वो हमने बीफ की इसमें डाल देनी है। तो असल मास्टर शेफ जो है वो तो अब आए हैं, वो कैमरा संभाले हुए थे, तो ये सारा काम जो है ये दोनों छोटों ने किया है, यानी कि बहू ने और सोनी ने मिलके। तो उन्होंने अब इसको मिक्स कर दिया है और आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी सी थिक सी एक ग्रेवी बन गई है, लेकिन टोमेटोज उसमें पूरी तरह से घुले नहीं है। तो आपने टोमेटोज को बिल्कुल मशी नहीं कर देना है, बिल्कुल गला नहीं देना है टोमेटो का, थोड़ा बहुत टुकड़ा जो है वो इसमें दिखाई दे। जो स्पेगेटी हमने सारी की सारी उबाली थी वो अब हमने इसमें चिकन में मिला देनी है और इसको हिला लिया है। आप देख सकते हैं कि स्पेगेटी बहुत बहुत ज़्यादा नहीं है, तो एक बहुत अच्छी रेशो जो है वो इसकी तैयार होती है। 1 किलो चिकन में ये एक पैकेट जो है स्पेगेटी का बहुत अच्छा बनता है। अब इन्होंने हमारा वाला काम किया है, ये देखें पॉट से ही डिश में निकाला है, कि जल्दी जल्दी हमने पॉट ही डिश में उल्टाई और भाग लिए काम ख़त्म करके। तो वाकई सही तौर पर अगर आपने अपनी ज़िंदगी को गुजारना है और चारों तरफ देखना है तो आपको इसी तौर पर ही काम करना पड़ता है। अगर आप सलीके से एक एक स्पून उसमें डालते रहेंगे तो आप खड़े वो चमचे ही उल्टाते रहेंगे, बाकी आपका काम जो है वो धरा का धरा रह जाएगा। अब ये पार्मेसन चीज़ की क्यूब है बहू के हाथ में और इसने इसको
कश कर लेना है इसके ऊपर, तो जितना पसंद हो उतना डाल लें। तो बहुत गर्म गर्म है इस वक्त स्पेगेटी पास्ता जो है, उसके ऊपर ये खुद ब खुद चीज़ जब डलेगा तो मेल्ट हो जाएगा, तो जल्दी जल्दी गर्म गर्म पे ही डाल लें और उसके ऊपर थोड़ी सी आप क्रश चिलीज जो है वो स्प्रिंकल कर लें, तो बिला शुबा बहुत मज़ेदार तैयार होता है। और इसमें जो प्याज में जिंजर तली जाती है वो जिंजर क्रंची हो जाती है, क्योंकि हाथ से जब वो कूटा जाता है तो वो इतना बारीक नहीं होता, तो इस चीज़ का ध्यान रहे कि जब आप उसे तलें तो अच्छी तरह तलें, यहाँ तक कि वो जिंजर गार्लिक जो है वो बीच में गुलाबी हुआ दिखाई देने लगे। प्याज लाल नहीं होते हैं लेकिन वो चीज़ जल्दी लाल हो जाती है, तो वो टेस्ट जो है वो इसमें बहुत एक ख़ास जगह रखता है इस रेसिपी में। जो ये बनाना जानते हैं उनकी जिंजर जो है उसका क्रंच आपके मुँह में आएगा। तो ये तो थी हमारी रेसिपी, खुदा करे कि ये आपको पसंद आए। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।